बहुत ही मज़ेदार रस्म थी जिसके अंदर सब लोग यश की नाक पकड़ते हैं, और एक्चुअली पकड़ी नहीं उन्होंने, मारकांडी ने उसमें उन्होंने उसकी नाक खींच दी, और यश को चलाते हुए देखकर बहुत मज़ा आ रहा था और उसकी नाक नीली भी पड़ गई थी, तो बहुत मज़ा आया। जी हाँ, ऑब्वियसली जैसे कि लव ट्रायंगल अभी चल रहा है तो प्यार तो दिखेगा ही, जैसे कि आप सब देख सकते हैं, लुकिंग एट कार्तिक लविंग एट हिम एंड ही इज डूइंग दैट टू नायरा, एंड जो रसम थी अभी उसे तोरण तोड़ना होता है जो हर शादी में होती है रसम, एंड सो दैट लड़के को, लड़के वालों को एंट्री मिलती है, तो वही रसम थी अभी, इसलिए तलवार निकालता है, तो पीछे से कोई डायलॉग भी बोलता है कि क्या क्या डायलॉग है, शादी में लड़ाई झगड़ा तो चलते ही रहता है, शादी के बाद लड़ाई झगड़ा तो होता ही रहता है, इसलिए तलवार होनी बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली मेरे यार की शादी है, तो हमने मेरे यार की शादी है जो गाना है मेरे यार की शादी है उस पर डांस किया, और मैंने अपना फेवरेट नागिन डांस भी किया, और ये बहुत ही यूनिक तरीके की बारात है जिसके अंदर यश सेगवे पर बैठ कर आते, क्योंकि अंदर घोड़ी तो आ नहीं सकती, तो कुछ नया देखने को मिलेगा ऑडियंस को पहली बार। ऑब्वियसली हम सबके लिए बहुत खुशी का मौका है क्योंकि हम सब बड़े हुए हैं यश के साथ, एंड सबका काफ़ी इन्वॉल्वमेंट रहा है शादी में, बट आई गेस लक्ष के लिए तो बहुत बड़ी बात है बिकॉज यश की शादी है, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड भी है, सब कुछ वही है मेरा, जब मुझे तारा छोड़ कर गई थी तब वही मेरे साथ था, और आज उसका ये खुशी का मौका है तो मैं उसके साथ हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। सबसे ज़्यादा यश की खिंचाई करना, उसे तंग करना, उसे गोद में उठाना, सब लक्ष ने किया है। मैंने ब्लैक और गोल्डन शेरवानी पहनी है। बात आप सबकी जगह की, तो अभी अभी रक्षा और अनन्या दी से मैंने एक बात सीखी जो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि रोज़ मेरी लाइफ में ज़रूर आ रही है, पर आप में से किसी की जगह पर नहीं, वो अपनी जगह खुद बनाई, और आप सबकी जो जगह जैसी थी बिल्कुल वैसी ही रहेगी, बस यही प्रॉमिस करूँगा।